नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। इसराइल और हमास के बीच शनिवार को हुआ संघर्ष जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और भी खतरनाक हो रहा है। इस संघर्ष में कई ऐसे लोग भी यहां फंस गए हैं जो दूसरे देशों के रहने वाले हैं। इसराइल में मेघालय के 27 लोग भी फंसे हुए हैं, इनमें एक राज्यसभा सांसद भी हैं। और अब इनको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मेघालय के मुख्यमंत्री, आपको बता दें, संगमा ने रविवार को बताया कि राज्य के सभी लोग सुरक्षित हैं और सीमा पार कर मिस्र पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड केस ने संगम से सभी 27 लोगों के बारे में बताया कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें जानकारी दी है कि सभी 27 लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री संगमा ने एक्स पर लिखा, नवीनतम जानकारी के अनुसार और विदेश मंत्रालय और हमारे भारतीय मिशन के प्रयासों के माध्यम से मेघालय में हमारे 27 नागरिक जो इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध संघर्ष में फंस गए थे सुरक्षित रूप से सीमा पार कर गए हैं और अब वो मिस्र में हैं। शनिवार यानी 6 अक्टूबर को फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी संगठन हमास ने 5,000 से अधिक मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। अचानक हुए हमले से इसराइल को भारी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हमास के हमले के बाद लगातार इजरायल की सेना हमला कर रही है। उन्होंने हमास के सैन्य शाखा अल नासिर पर, साथ ही साथ कमांडर इन चीफ राहत अबू हिलाल पर दागे हैं बहुत सी मिसाइलें। वो इजरायली हवाई हमले के दौरान गाजा रफा में घर पर भी बमबारी से मारे गए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।